चंद्रमोहन अचानक, अरे अचानक तुमने पहाड़ हमारे सर के ऊपर तोड़ डाला। हमने सुना कि तुमने राजा बाबू की शादी कहीं और तय कर दी। अरे कुछ तो बचपन की दोस्ती का लिहाज किया होता। जब से इसने सुना है, ये तो बेचारी दोनों के पागल होती जा रही है। देख इसको। हाँ भाई साहब, बचपन से लेकर आज तक हमने अपनी बेटी को यही दिलासा दिया था कि उसकी शादी आपके बेटे राजा से होगी। मैं शर्मिंदा हूँ बहन, अब जो हो गया सो हो गया चंद्रमोहन, लेकिन तेरी बेटी मेरी बेटी है, उसके लिए वर मैं तलाश करूंगा, उसकी शादी मैं करूंगा, सारा खर्च मैं बर्दाश्त करूंगा, मैं वादा करता हूँ। लेकिन राजा को भूल जाओ, क्योंकि वो लड़की राजा की जिंदगी है, उसकी खुशी है, पर ये पगली अपने बेटे को किसी हालत में दुखी नहीं देख सकती। मैं हाथ जोड़ता हूँ, चलो इतनी मेहरबानी कर। लगता है ये घर उन्हीं का है। हाँ, हाँ, चल चलो चलो। भाभी, ये क्या? आप शादी से पहले ही बिना बताए आ गई है। कोई बात नहीं, ए कुर्सी ला, अरे वो टेबल ला, अरे मैं तो कहता हूँ खाटी लेकर आ जा। अरे कुछ खाने पीने के लिए भी लेकर आ, कोई सुनता ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप एक काम करो अंदर ही चलो। लेकिन मालिक और मालकिन तो कार्ड मारने के लिए बाहर गए हैं। ओ ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। ऐसे कैसे जा सकती हैं आप? मैं हूँ ना उनका नौकर नंदू, सबका बंदू। ए आप भी आओ ना साहब, आइए आइए, जल्दी आइए आइए, आइए आइए अंदर, आइए आइए, ये है राजा बाबू का घर, आइए आइए, आइए आइए, अरे आइए आइए। ये कौन है? ये है राजा बाबू के दादाजी और दादी जी। आइए मैं आपको और भी तस्वीरें दिखाता हूँ। आइए आइए, आपको होने वाले पति की तस्वीरें। ये अमिताभ बच्चन दीवार वाले पोज में, ये धर्मेंद्र धर्मवीर वाले पोज में, ये राज कपूर जी श्री 420 जी, और ये जतेंद्र हिम्मत वाला। लगता है फिल्मों का बहुत शौक है इन्हें। इतना ही नहीं, जब अदालत फिल्म लगी थी ना, उसी फिल्म के अमिताभ बच्चन के पोज में एक महीने तक हमारे राजा बाबू गांव भर में घूमते रहे थे। अंदर की बात बताऊं, हमारे राजा बाबू शादी के बाद आपको श्रीदेवी के पोज में देखना चाहते हैं। चांदनी में जैसे श्रीदेवी ने कपड़े पहने थे ना, वैसे ही कपड़े आपके लिए खरीदने वो बाजार गए हैं। आप कहो तो मैं आपके लिए दर्जी बुलाऊं। ये सब तस्वीरें, ये भी हमारे राजा बाबू की है। आइए नजदीक से देखिए, ये देखिए वकील के पोज में, ये देखिए डॉक्टर के पोज में, ये देखिए इंस्पेक्टर के पोज में। बस जहाज चलाने वाले कप्तान की तस्वीर बाकी है, खिंच गई है, दो एक रोज में लग। ये आप सोच क्या रही हैं? राजा बाबू कहाँ तक पड़े हैं? पांचवी में पांच बार फेल। क्यों रे नंदू, हमारे होने वाली बहू पहली बार हमारे घर आई और तू हमें बताने तक नहीं आया। क्या है ना बेटी, आज शुभ दिन है ना, इसीलिए मैं और तेरे ससुर जी गांव में न्योता देने निकले थे। देख तो बस अब इतने ही कार्ड रह गए हैं, और इन्हें बचाकर ही रखना, किसी को देने की कोई जरूरत नहीं। ये तुम क्या कह रही हो बहू? बहू कौन बहू, किसकी बहू? मैं तुम्हारी कोई बहू बहू नहीं हूँ। क्या बात है बेटी, ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? किसी ने कुछ कह दिया तुम्हें? किसी ने कुछ नहीं कहा, मेरी किस्मत अच्छी है इसीलिए सच्चाई अपने आप मेरे सामने आ गई। आपके पांचवी क्लास फेल अनपढ़ गवार बेवकूफ बेटे के साथ मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्या मेरे बेटे को बेवकूफ कहा तूने? छोड़ो, चार क्लास क्या पास कर रही, मेरे बेटे के बारे में कुछ भी कहेगी? बेटी, सबसे पहले तो मैं अपनी पत्नी की वजह से तुझसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ बेटी, और दूसरी बात ये कि वो थोड़ी सी पागल है, अपने बेटे के खिलाफ किसी के मुंह से एक शब्द नहीं सुन सकती। बेटी जाने से पहले एक बात सुन ले, अपने आप को मेरी जगह पर रख के सोच,
मैं इस गांव को एक इज्जतदार आदमी, अगर ये शादी नहीं हुई तो मैं गांव में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं, मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। हाँ छोड़ता हूँ बेटी, अपना फैसला बदल दे बेटी। आपकी इज्जत के लिए मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती हूँ, और अगर आपको अपनी इज्जत का इतना ही ख्याल था तो शादी तय करते वक्त आप अपने अंगूठे छाप बेटे की असली तस्वीर लाते। वकील के लिबास में खींची हुई तस्वीर लाने की क्या जरूरत थी हमें धोखा देने के लिए? नहीं बेटी, इतना घमंड, तेरी इतनी हिम्मत कि तू शादी के कार्ड का टुकड़ा टुकड़ा करके मेरे पति के मुंह पे दे मारे? आप इसके बाद का सुनिए, देखिए आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, वो तो बच्ची है, उसे कुछ पता नहीं वो क्या कर रही है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? सुनिए, ये तूने ठीक नहीं किया बेटी। तू नहीं जानती क्या किशन जी की उस गांव में कितनी इज्जत है। एक इज्जतदार आदमी की अगर इज्जत चली जाए तो उस पर क्या बीतती है तुझे इसका एहसास नहीं? तुझे अभी इसी वक्त मेरे साथ चलकर उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं डैडी, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। तेरी गलती यह है कि वकील के लिबास में राजा की तस्वीर देखकर तू उसे वकील समझ बैठी। तेरी गलती यह है कि तूने उनसे यह नहीं पूछा कि उनका बेटा वकील है या नहीं। जब बेटा वकील नहीं अनपढ़ है तो पढ़े लिखे लोगों की तरह तस्वीरें खिंचवाकर घर में रखने की क्या जरूरत है? बेटे वो अनपढ़ है, शायद उसे इसीलिए पढ़े लिखों की तरह तस्वीरें खिंचाने का शौक है। बेटे इतनी सी बात का बतंग बनाकर शादी से इनकार कर देना ये भी तो ठीक नहीं। आपके लिए छोटी सी बात होगी डैडी, लेकिन मेरे लिए नहीं। प्लीज आप मुझे मजबूर मत कीजिए, मैं एक अनपढ़ आदमी से शादी हरगिज नहीं कर सकती। कौन है आप लोग? हम लोग टीचर्स हैं। आपके स्टूडेंट को पढ़ा लिखा कर आपके काबिल बनाने आए हैं। आए आए बैठिए अनपढ़ जी। नमस्ते टीचर। नमस्ते स्टूडेंट। बोलो, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, नहीं सी फॉर कार्ड, मैरिज कार्ड। भाभी भाभी भाभी, मेरी प्यारी भाभी, मेरी भोली भाभी, राजा की नैया बीच मवर में गुड़ गुड़ गोते खाए, भाभी पार लगा दे और झटपट पार लगा दे और झटपट पार लगा दे। शट अप मधुबाला, मधुबाला समझता नहीं। अरे किशन सिंह, तुम शादी के कार्ड सारे गांव में बांट आयो, और अगर अब शादी नहीं हुई तो तुम्हारी इज्जत का क्या होगा? हाँ भाई साहब, गांव में लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। मैं तो अब भी कहती हूँ आप हाँ कर दीजिए तो मैं गांव से अपनी बेटी को बुला लूँ, शादी की तारीख में शादी भी हो जाएगी और आपकी नाक भी रह जाएगी। चुप रहिए आप लोग, अपने मतलब के लिए बातों में मिर्च मसाला लगाकर इनका दिल और मत दुखाइए। सुनिए जी, आप इन लोगों की बातों में मत आइए, आपकी इज्जत जितनी इस गाँव में थी आगे भी उतनी ही रहेगी, यकीन कीजिए। मैं पूछती हूँ ये सब क्या हो रहा है यहाँ? हमारी जबान में इसे तंबू गाड़ना कहते हैं। भाभी जी, ये आपके घर के सामने तंबू इसलिए गाड़ रहे हैं ताकि इसकी साय में बैठ के ये भूखड़ताल कर सके। इसका मतलब तमाशा करके लोगों के दिलों में हमदर्दी जगाना चाहते हो? मुझे लोगों से क्या मतलब? मेरा मतलब तो सिर्फ तुमसे है मधु। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती राजा, उसके बावजूद तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अगर आदमी पसंद ना आए तो ये बात अलग है, मगर पसंद आने और शादी के कार्ड बजाने के बाद सिर्फ इस बात का पता चले कि वो अनपढ़ है इसलिए शादी से इनकार कर देना, ये बात तो गलत है। अगर इस मोमबत्ती के बुझने से पहले तुमने अपने प्यार का इकरार नहीं किया तो तुम्हारी कसम मधु में अपनी जान दे। इस मोमबत्ती के बुझने से पहले? उस मोमबत्ती के नहीं, इस मोमबत्ती के बुझने से पहले। माय फुट। ए भाभी, ए भाभी, भाभी। मधु, मुझे नहीं लगता ये दीवाना इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ेगा। और नहीं तो क्या,
देखो ना कैसे प्रेम की जोत जला के तंबू गाड़ के भूख हड़ताल करने बैठ गया। डोंट वरी अबाउट हिज तंबू, आज रात तक इसका तंबू भी उखड़ जाएगा और कल तक ये भी सुधर जाएगा। लेने के लिए नहीं, सिर्फ सबक सिखाने के लिए कहा था। ये लो तुम्हारे पैसे और जाओ यहाँ से। माधु, तुम लोग जाना नहीं है, जाना नहीं है भाई। दरअसल ये लोग मुझे मार नहीं रहे थे, मैं मार खा रहा था। मैं देखना चाहता था कि मुझे मार खाता देखकर तुम्हें खुशी होती है या तकलीफ, मगर मुझे मेरा जवाब मिल गया है। अब तुम देखना कि मैं तुम्हारे इन भाड़े के टट्टुओं का कैसा हाल करता हूं। आप क्या कहती हो मधु? बात अगर जिद की है राजा, तो मेरी भी एक आखिरी बात सुन लो। अगर तुम इस मोमबत्ती के बुझने से पहले यहाँ से नहीं गए, तो तुम तो अपनी जान बाद में दोगे। उससे पहले मैं तुम्हें खुदकुशी करके दिखा दूंगी कि जान किस तरह दी जाती है। नंदू, इन दोनों की लाश उठाकर बाहर फेंक दो। तुरंत मोटरसाइकिल निकाल, हम लोग गांव जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूं नंदू, आज मधु ने वो कह दिया है जो मैं कभी सपने में भी सोच नहीं सकता। हम जा रहे हैं। जाने से पहले एक बात कहकर जाना चाहता हूं, तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है। मुझ जैसे अनपढ़ के लिए इसे गंवाने का ख्याल दोबारा कभी अपने मन में भी मत लाना।